अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राइट रिव्यू। आज हमारे पास एक और फारसील गाड़ी मौजूद है, इसका हम रिव्यू करेंगे, आपको बताएंगे इस गाड़ी के स्पेक्स के बारे में, और वीडियो के एंड में बताएंगे आपको इस गाड़ी की प्राइस। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई है तो फिर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑनर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी का रिव्यू। ये है हमारे पास टोयोटा अल्टस SR, मॉडल इसका है 2013, कलर इसका वाइट कलर है, इंजन इसका 1600 cc है, यानी अल्टस 1.6 है। रजिस्टर्ड गाड़ी है ये, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है इसका नंबर, नंबर आपके सामने है। सनरूफ अवेलेबल है इस गाड़ी में है। ये इसका फ्रंट व्यू है। अगर फ्रंट हेडलाइट की बात की जाए तो इसमें नॉर्मल LED लाइट, डिम की ऑप्शन भी हमें मिलती है, और साथ में इंडिकेटर की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर नीचे बम्पर में फोग लाइट इंस्टॉल है जो कि क्रोमिंग में है, और यहाँ का ग्रिल आप देख सकते हैं कि वाइट कलर में है, यहाँ पर कोई भी क्रोमिंग मौजूद नहीं है। टोयोटा का ऑफिशियल लोगो, और सेम कंडीशन इस लाइट में भी है और नीचे बम्पर वाली में भी। इसका साइड व्यू, अगर टायर की बात करें तो इसमें एलोय का रिम इंस्टॉल है, और साथ में ट्यूबलेस टायर इंस्टॉल है जिसका साइज़ है 17 की साइज़ का टायर इसमें इंस्टॉल है। साइड मिरर पे आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर की ऑप्शन मौजूद है, और जिसकी वजह से साइड मिरर की खूबसूरती में इजाफा होता है। चलते हैं बैक साइड पे। यह है इसका बैक साइड, और नॉर्मल बैक लाइट, और यहाँ पर मौजूद है टोयोटा, साथ में ऑफिशियल लोगो, और यहाँ पर करोला अल्टस, और नीचे लिखा है 1.6 SR। अगेन साइड व्यू, ये था इसका एक्सटीरियर। चलती है इंटीरियर पे, और इसके जो हैंडल है, चारों हैंडल है, इस पर कोई भी क्रोमिंग मौजूद नहीं है। फ्रंट डोर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वुड कलर का फार्मी का यूज़ हुआ है जो कि इसकी इंटीरियर की खूबसूरती में इजाफा करता है। स्टीयरिंग इसका नॉर्मल स्टीयरिंग है, और इसमें बस वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के, और इसमें साथ मूड और एक दो ऑप्शन और भी मौजूद है, लेकिन फुल मल्टीमीडिया स्टीयरिंग नहीं है। ऑटोमेटिक गियर के साथ ये गाड़ी मौजूद है, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक गियर है, साथ में वुड कलर का फार्मी का यूज़ हुआ है, और ये इसका डैशबोर्ड, साथ में स्क्रीन भी इंस्टॉल है। डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। एक एयरबैग इस डैशबोर्ड में है, और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टीयरिंग में मौजूद है, और इसका मीटर है जो कि एनालॉग है, और साथ में दो नीचे छोटे छोटे डिजिटल मीटर है जो कि जिसमें कई ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। ये इसका AC का सिस्टम, डबल इंडिकेटर, ये स्क्रीन, और ये AC वगैरह के जितने भी ऑप्शन हैं वो बटन के थ्रू है। ये आप इसका रूफ भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर सनरूफ भी अवेलेबल है। दिखा देता हूँ मैं आपको ये वाला, इसमें सनरूफ अवेलेबल है। चलते हैं बैक साइड पे, और इसकी सीट्स आप देख सकते हैं, काफ़ी क्लीन सीट्स है। इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन दोनों इसकी काफ़ी क्लियर है। बैक डोर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी वुड कलर का फर्मी का यूज़ हुआ है। यह है इसका बैक सीट, और बैक सीट से दिखाते हैं आपको इंटीरियर का फ्रंट पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट साइड पे, अगेन बैक डोर। अगेन बैक सीट, चलते हैं फ्रंट डोर पे।
फ्रंट पार्ट आप एक दफ़ा फिर देख लें। डैशबोर्ड, स्टीयरिंग और गियर, हैंड ब्रेक, स्क्रीन, एसी सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम सब कुछ आपके सामने है। और ये एक रजिस्टर्ड गाड़ी है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है ये गाड़ी। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आ गई है तो फॉर फाइनल प्राइस के लिए आपको स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, उस नंबर पे कॉल कीजिए और डायरेक्टली ऑनर के साथ बात कीजिए और इस गाड़ी के बारे में आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो एग्जैक्ट प्राइस है वो आपको ऑनर से ही पता चलेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके और आप वीडियो देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।